हेलो एवरीवन नमस्कार मैं हूं डॉक्टर परमजीत आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन दोस्तों बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और कंसल्टेशंस भी आते हैं पेशेंट्स के वन ऑफ द क्वेश्चन इज़ कि स्टूडेंट्स खासकर दोज हु आर प्रिपेयरिंग स्टडिंग एंड एस्पायरिंग फॉर सम काइंड ऑफ एग्जाम्स जॉब्स समथिंग सो होता क्या है मैनी टाइम्स दे आर इंक्लाइं टू साइडलाइन देयर सेक्शुअल फीलिंग्स बिल्कुल उनका ज़रूर ऐसा होता है कि गर्लफ्रेंड या मैस्टर या ये सब चीज़ें बाद में करेंगे पहले हम अपना करियर बना लेते हैं पहले पढ़ाई करते हैं सो देर आर स्टूडेंट्स देर आर पीपल हु डू दैट नाओ आपने सुना होगा देर इज़ सम बेनिफिट ऑफ नो फैप याद डूंग नॉट डूइंग मैस्ट्रोबेशन पीपल्स दे बोलते हैं बहुत सारे बेनिफिट है ऐसा वैसा बट रिसर्च से इट्स एवरी थिंग हीयर इन योर माइंड राइट वट वट हैपन्ज अगर आप उसे अच्छा मानते हैं और आप उसे हेल्दी मानते हैं जो कि वो है कई सारे रिसर्च आपको बताएंगे कि मैस्ट्रोबेशन हो या सेक्स हो इससे ना सिर्फ आपके एंडोरफिनस रिलीज होते हैं आपके फील गुड हॉर्मोन्स रिलीफ होते हैं आपके कैंसर के रिस्क कम होते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम रेगुलर सेक्सुअल इंटरकोर्स रेगुलर मेस्ट्रोब इज गुड फॉर यू फोन एडिक्शन इज अ डिफरेंट थिंग अगर आप पॉन से एडिक्टेड हैं देन डेट इज़ दैट इज अ टोटली डिफरेंट एरिना राइट जस्ट जस्ट लाइक एक्सरसाइजिंग इज गुड फॉर हेल्थ योर एक्सरसाइजिंग योर ऑर्गनस देर बट अगर आपको महंगी गाड़ियों में घूमने की आदत पड़ जाए कि फोन एडिक्शन है आपको बस बहुत ही ज़्यादा आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई कर देगी फॉर एग्ज़ाम्पल जस्ट जस्ट टेलिंग यू फोन से क्या होगा आपकी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हो जाती है कि जब आपके सामने एक एक्चुअल सेक्सुअल इनकाउंटर होता है तो उस समय दैट हाई एक्सपेक्टेशन इफ़ नॉट मेट राइट right? तो आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन लॉस ऑफ लिबीडो ऐसे प्रॉब्लम्स पैदा हो जाते हैं दैट्स बिकॉज ऑफ द एक्सपेक्टेशन सो फोन इज अ प्रॉब्लम येस फोन एडिक्शन इज अ प्रॉब्लम मैस्ट्रोबेशन ऑन द अदर हैंड इज नॉट बट देर शुड बी सम लिमिट राइट ओवर मैस्ट्रोपेशन कैन कॉज प्रॉब्लम्स दैट इज़ ट्रू सो दिन में दस बार कर रहे हैं अपना अपनी पढ़ाई छोड़ के कर रहे हैं दैट इज रॉन्ग दिन भर में भी अगर आप रेगुलरली रोज भी करते हैं एक बार दजन मैटर बट देन इट डिफेंड्स इफ इट इज इट इज इफ इट इज अ कंपल्शन तब तब प्रॉब्लम है वट इज दैट मीन अब इसमें इशू क्या है चलो अगर हम पढ़ाई पहले कर लें और बाद में देखें कभी और करेंगे सो वट डीज गाइज सी कि कई बार उनका फिर उसके बाद जब एक्चुअली में इफ़ दे वॉन्ट टू डू इट दे आर नॉट एबल टू राइट इफ दे वॉन्ट टू डू इट दे आर नाट एबल टू मैस्ट्रोवेशन नहीं हो रहा इरेक्शन नहीं आ रहा मॉर्निंग वुड नहीं हो रहा सेक्स नहीं हो पा रहा वॉट इज हैपनिंग नाउ दिस इज कॉल्ड एज समथिंग कॉल्ड इज डिसटाइजेशन कह लीजिए मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप सुबह का नाश्ता करते हैं रोज करते हैं और कुछ दिन नहीं करें तो योर बॉडी विल क्रेव हंगर भूख लगेगी नाश्ते की और कुछ दिनों बाद वो एडजस्ट कर लेगी राइट बॉडी कैन अडेप्ट सुबह फिर भूख लगना बंद हो जाएगी तो वो छोड़ो अगर आप दो दिन में एक बार खाना खाना शुरू कर दो समटाइम्स आपको भूख लगेगी कुछ हफ्ते कुछ महीने आफ्टर सम मंथ बॉडी विल अडेप्ट दो दिन तक भूख नहीं लगेगी सीधा उसके बाद भूख लगेगी सो वॉट इज हैिंग हेयर सो इफ यू सप्रेस योर फीलिंग वेन यू वॉन्ट टू हैव सेक्स और वेन यू आर फीलिंग वेरी हार्ड टू टच योर सेल्फ एंड यू डोंट टच इट राइट सो वॉट हैपन्स देर आर टू थिंग्स वन इफ यू आर फीलिंग द गिल्ट तो आप गिल्ट ट्रिप में चले जाओगे साइड इफेक्ट्स ज़्यादा होंगे उल्टे सीधे इफेक्ट होने जाएंगे टू इफ़ यू आर फीलिंग प्राउड ऑफ योर सेल्फ यू फील गुड समाइम एंड इट इज़ गुड लॉन्ग टर्म भी कई बार गुड होता है बट दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क हाउ यू एंड योर माइंड हाउ योर बॉडी रिएक्ट्स सो देर हॉस्ट इसीलिए हमेशा एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है हर चीज का सेक्शुअल इंटरेस्ट का भी एक फीमेल अगर सही उम्र में शादी कर लें बच्चे पैदा कर लें दैट इज़ द बेस्ट फॉर देम राइट सो सेक्शुअल इंकाउंटर सही उम्र में होनी चाहिए तीस साल की उम्र में इफ़ शी इज़ लाइक स्टिल स्टडिंग पैंतीस साल की उम्र में देन बच्चे पैदा करने की कोशिश करेंगे दिट बिकम्स डिफिकल्ट दैट साइकोलॉजिकल स्ट्रेस शरीर पे स्ट्रेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स सो एक एज है टू हैव सेक्शुअल इंटरकोर्स टू हैव सेक्सुअल एक्सपीरियंसिस एंड एवरी शुड हैव दैट राइट सो एक लिमिट है राइट सो यू हैव टू डिसाइड वॉट यू नीड टू डू वॉट यू फील यू थिंक इज गुड फॉर यू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट एवरीबडीज हर एक इंसान के अपने माइंड सेट चेंज हो सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको लग सकता है नो फैप इज़ गुड नो फैप इज बैड मैस्ट्रोबेशन अच्छा है मैस्ट्रोबेशन बुरा है सेक्स अच्छा है सेक्स बुरा है डैट डजेंट मैटर रिसर्च वाइज ना ही लॉन्ग टर्म एफर्ट्स ना तो मैस्ट्रोबेशन के आपके लिए बुरे हैं ना ही नो no फैप के लिए आपके बुरे हैं साइकोलॉजिकली इट कैन बी अ डिफरेंट बॉल गेम ठीक है so what i'm trying to tell you is don't talk to a doctor whenever you are having a problem talk to a doctor they will guide you yes sometimes people come just by cause of night falls night fall both right you cannot actually retain your semen right that is one issue it becomes uh, it becomes the night fall Nightfall night fall so that's what i'm trying to tell you